हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज विपिन गुजेला और आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो, बिकॉज बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी आप लोगों की कि गोल्ड के ऊपर, गोल्ड मार्केट के ऊपर वीडियो बनाओ। तो अभी जो लेफ्ट राइट में जो आपको दुकानें दिख रही हैं वो सारी गोल्ड मार्केट की है। काफ़ी लंबी मार्केट है, कुवैत के अंदर सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट है। और यहाँ का जो रेट है, रेट मैं आपको अभी बता देता हूँ। आज 1 मार्च 2019 का जो रेट चल रहा है वो है, एक ग्राम का है 12 दिनार 650, यानी इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 2900 रुपये, और एक तोला 29,000 का है। और इंडिया में जो अभी एक तोला में चल रहा है 22 कैरेट का, वो है 35,750। तो 3-4 हज़ार रुपये का फ़ायदा है ही आपको। और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटी भी मिल जाएगी, यहाँ पे आप थोड़ी सी बार्गेनिंग कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे मेकिंग देखो जो रेट है 12 दिन 650 ही लगेगा, बट हर चीज़ में अलग अलग मेकिंग चार्जेज है, तो आप मेकिंग चार्जेज में थोड़ी सी बार्गेनिंग कर सकते हो और रेट वगैरह काफ़ी सही है। मालाबार में भी सेम यही रेट है, कल्याण ज्वेलर्स में भी रेट यही है। और यहाँ पे बस ये है कि आप मेकिंग चार्जेज में काफ़ी वो कर सकते हो, बार्गेनिंग वगैरह कर सकते हो, और देख रहे हो कि काफ़ी बड़ी है। मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। तो अभी यहाँ से स्टार्ट हो गई है, इसके लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ दुकानें गोल्ड मार्केट की काफ़ी बड़ी है। ऑलमोस्ट 70-80 दुकानें हैं ऑलमोस्ट अराउंड। और ये है, अभी मैं हूँ माल्या सिटी में, तो इसका जो लोकेशन है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। किसी को कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट कर सकते हो। सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट है इस तरफ, ये पूरी देख रहे हो, कम से कम 300-400 मीटर की गैलरी है। और इस तरफ भी दुकानें हैं काफ़ी ज़्यादा ऊपर, जैसे इसके ऑलरेडी जो मैंने ग्रैंड हाइपर की एक वीडियो बनाई हुई है, इसके ऊपर ग्रैंड हाइपर है, शायद काफ़ी लोग आ रखे होंगे। बट ये जो गोल्ड मार्केट है कुवैत की, सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट है। एक अल मुबारकिया में भी है, सूक अल मुबारकिया में, लेकिन वो इतनी बड़ी गोल्ड मार्केट नहीं, वो कुवैतियों के लिए फेमस है। तो देख सकते हो कि चारों तरफ सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड है, और आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ पे फ़ायदा ये है कि देखो, आप मालाबार कल्याण ज्वेलर्स में जाओगे तो आपको वैराइटीज़ नहीं मिलेंगी, तो आप यहाँ पे आओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ मिल जाएंगी। जैसा कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा, अंदर वीडियो शूट करना अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैं बाहर से दिखा रहा हूँ आपको, कि आपको जो देखना है बाहर से देख सकते हो। इस तरफ भी काफ़ी दुकानें यहाँ से लेकर एंड तक, फिर पीछे भी है मेरे, और फिर इस तरफ भी दुकानें, पीछे का भी दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो पीछे का भी ये है, काफ़ी लंबी है, और फिर उस तरफ भी दुकानें थी काफ़ी सारी। तो बताना इसका जो टाइम है, रात को 9 बजे क्लोज़ होने लग जाती हैं दुकानें वगैरह, और काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटी मिल जाएंगी। जो यहाँ का गोल्ड है वो दुबई और सिंगापुर से आता है, तो गोल्ड में तो कोई शिकायत आएगी नहीं, बिकॉज आपको सारा 100% पूरा सर्टिफिकेशन मिलेगी हर चीज़ की। और तो मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, जो भी देखो मैं इंडियन हूँ, तो मैं पहले इंडिया का ही बता सकता हूँ कि आप जो गोल्ड वगैरह हो इंडिया में, आप 4 तोले तक लेके जा सकते हो जो गोल्ड वगैरह है, बिकॉज ज़्यादा गोल्ड आप लेके नहीं जा सकते इंडिया में। आप कभी जब भी, कई लोग शायद ही पूछेंगे कि भाई कितना अलाउड है कितना नहीं, तो 4 तोला ही अलाउड है, उससे ऊपर नहीं अलाउड। अंगूठी वगैरह जो भी लेनी है, मंगलसूत्र अंगूठी वगैरह कुछ भी लेना है, जो 4 तोले तक ही अलाउड है, उसके ऊपर अलाउ नहीं है। तो प्लीज़ वो 4 तोले से ऊपर मत लेके जाना, नहीं तो भैया कस्टम वाले पकड़ लेंगे। मुझे मत बोलना कि भैया मैंने बोला था, तो इसलिए कह रहा हूँ कि 4 तोले से ऊपर बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो यही है, तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन, और किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ लेना भाई। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा, तकलीफ आता है।